सामान लाने ले जाने के लिए वो लोग उस पैसे को यूज करते थे। तो उन्होंने ये देखा कि यार ये जो कंपनी जितना रेवेन्यू वसूल करती है उस हिसाब से कंपनी को इनकम नहीं हो रही है, मतलब जो अधिकारी उस रेवेन्यू को वसूलने में लगाए गए थे वो अधिकारी क्या कर रहे थे, उस पैसे को कंपनी को ना देकर के अपने निजी खर्च में यूज कर रहे थे। कोई लंदन में जाके पेंटिंग बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हुआ ये कि कंपनी को चलाने में समस्या आ गई, और ऐसा भी दिन आ गया कि जब कंपनी को लगा कि अब हम लोगों का वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। एक तो भारत में आके राज्य कर रहे थे, दूसरे देश में रूल कर रहे थे, और अपने ही यहाँ के लोगों को अगर वो वेतन ना दे पाए तो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो ये क्या होगा, अंग्रेजी तंत्र के लिए कमजोरी की बात थी कि भैया भारत के लोग इनको देखकर के नहीं प्रेरित ना हो जाए कि ये लोग बताओ अपने लोगों को नहीं कर पा रहे तो हम पे क्या राज करेंगे। तो उनको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, 1773 में क्या लेके आए, रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखो इसके नाम से पता चला रेगुलेटिंग क्यों कहा गया इसको, रेगुलेट करने के लिए कंपनी को चलाने के लिए। ठीक, उसके